हेलो एवरीवन, आप सबके मन में यह एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इस कोरोना वायरस ने स्टूडेंट के जीवन पे क्या प्रभाव डाला है, ऑनलाइन क्लास कितना यूजफुल है और साथ साथ स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम झेल रहे हैं। सब पे बात करूंगा, वो भी कई सारे रिपोर्ट्स के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहें। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 2020 के एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 40% स्टूडेंट जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास देश के हैं, उसे इस कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई के लिए किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिला है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 10% से भी कम देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश में एजुकेशन के लिए सही नियम बनाए हैं इस पेंडेमिक के दौरान। इसमें यह भी कहा गया है कि 29 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स बुरे तरह से अफेक्ट हुए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, और यह आंकड़ा सिर्फ 22 देशों का है। आप खुद सोचो, आखिर कैसे कोरोना पूरे विश्व के भविष्य को अंधेरे में डाल रहा है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का कहना है, कोरोना वायरस की वजह से शिक्षा में और समानता बढ़ेगी और हमें साथ मिलकर फिर से नए तरह से सोचने की जरूरत है कि शिक्षा का भविष्य क्या होगा। जितना समय और स्कूल बंद रहेगा, इससे ना सिर्फ स्टूडेंट के फंडामेंटल नॉलेज को वीक करेगा, साथ में ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को भी लॉस करेगा लंबे समय के लिए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस पेंडेमिक का सबसे गहरा प्रभाव उन देशों पे होगा जहां एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है और साथ साथ स्टूडेंट का स्कूल और कॉलेज ड्रॉप करने का रेट बहुत ज्यादा है। अब आते हैं जो आजकल बहुत फेमस टॉपिक बना हुआ है, वह है ई लर्निंग। इसका क्या बेनिफिट है, साथ साथ इसका क्या चैलेंजेस है और क्या ऑनलाइन एजुकेशन रिप्लेस कर सकता है क्लासरूम एजुकेशन को। वीडियो में बने रहें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि YouTube या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लास का डिमांड काफी बढ़ा है। उसका कारण है बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी। उसके साथ स्मार्टफोन आजकल बहुत लोगों के पास है और टेक्नोलॉजी में प्रगति भी एक बड़ा कारण है। इस पेंडेमिक के दौरान हम ऑनलाइन एजुकेशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। देखो, ऑनलाइन एजुकेशन का रीच कहीं भी हो सकता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। लोगों को लंबे दूरी जाके एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जिससे सभी को समान शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। यह आसान, फास्ट और 24/7 कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने पीएम ई विद्या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसपे वन नेशन वन प्लेटफॉर्म फैसिलिटी उपलब्ध है। मतलब इस एक प्लेटफॉर्म का यूज करके पूरे देश के कोने कोने तक एजुकेशन पहुंचाया जा सकता है। देखो, इतना बेनिफिट तो आपने जान लिया, लेकिन आप खुद सोचो, गरीब देशों के लिए क्या यह इतना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। बिना रुके इंटरनेट के फैसिलिटी को गांव-गांव तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, अभी कोई ढांचा या पॉलिसी नहीं बनाए ऑनलाइन एजुकेशन को लेके, जो एजुकेशन पैटर्न में असमानता लाएगी। इसके साथ स्टूडेंट को साधन और सीखने का तरीका भी समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल में पढ़ने से चिंता और तनाव बढ़ेगा, जिससे बच्चों के बिहेवियर को भी इफेक्ट करेगा। फाइनली देखो तो पूरे तरह से क्लासरूम क्लास को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। उसका कारण है फेस टू फेस इंटरेक्शन और एक पढ़ाई का एनवायरनमेंट जो क्लासरूम क्लास में मिलता है। लेकिन नए टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ये सब के मदद से हम क्लासरूम कोर्स और ऑनलाइन क्लासेस में कुछ गैप